यहाँ देख सकते हैं कितने ज्यादा भक्तों की भीड़ है श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और अभी हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी लेटे हुए हैं जो साक्षात यहाँ पर सभी लोगों को दर्शन देते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा क्राउड अंदर से दर्शन करके निकल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम मौजूद है प्रयागराज के श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन कराने वाले हैं और इस मंदिर का आपको इतिहास भी बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बता दें 1400 ईस्वी में जब भारत पर औरंगजेब का शासन काल था ना, तो वो अपने 100 सिपाहियों के साथ इस मंदिर की जो प्रतिमा है जहां पर हनुमान जी लेटे हैं उस प्रतिमा को हटाने की कोशिश किया, लेकिन उस मूर्ति को उसने दस से मस नहीं कर पाया अपने 100 सिपाहियों के साथ। और आपको बता दें कि इसी जगह पे जब बजरंग बली जी लंका से विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे थे तो वो ना काफ़ी दर्द से पीड़ित थे और एकदम मतलब समझ लीजिए मरणोपरांत के बाद जो दूसरी जिंदगी मिलती है उनको यहीं से मिली है। कैसे, वो काफ़ी दुख से पीड़ित थे तो माँ जानकी जो सीता जी हैं वो यहाँ पर उनको सिंदूर दान करके उनको नया जिंदगी दिया और उन्होंने कहा आप हमेशा आरोग्य और चिरायु रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी संगम तट पर स्नान करने के लिए आएंगे और वो आपका दर्शन करेंगे तभी उनका संगम तट पर स्नान करना सफल माना जाएगा और उनको फल की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे और आप सभी लोगों को हनुमान जी का लाइव दर्शन भी कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी ज़्यादा क्राउड है, तो हम लोग भी दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले हैं और आपको पूरा लाइव वीडियो यहाँ का दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे सामने ही देख सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर संगम प्रयागराज और यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। प्रसाद लेके आप लोग जा सकते हैं और जो हमारे हनुमान जी लेटे हुए हैं उनका आप लोग वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये बस बाजू में प्रयाग संगम तट वहाँ पर है और इनका ये मंदिर यहाँ पर है। और देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ चारों तरफ आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग प्रयागराज के दारागंज में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए प्राचीन श्री त्रिवेणी माता मंदिर भी है और यहाँ पर बहुत ढेर सारी प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं। आज हम आप सभी को दर्शन कराने वाले हैं श्री बड़े हनुमान जी का जो साक्षात लोगों के यहाँ पे दर्शन देते हैं। इसी गेट के रास्ते से हमें सीधा अंदर चलना है और इस मंदिर का क्या रहस्य है जो हनुमान जी लेटे हुए हैं और यहाँ दर्शन के बिना ना गंगा स्नान भी अधूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। ये है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का मेन गेट जहाँ से सभी श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है और इस समय यहाँ पर मेला वगैरह लगा हुआ है और काफ़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगाई गई है। देखिए यहाँ पर पुलिस वाले भाई घूम रहे हैं, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं और इसी गेट से हमें अंदर चलना है और फिर हम आपको हनुमान जी का दर्शन करके दिखाएंगे और फिर यहाँ का पूरा इतिहास भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले माथे पे तिलक लगवाते हैं और उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं, क्योंकि तिलक भाई साहब लगवाना ज़रूरी होता है। जब भी आप लोग मंदिर में अगर दर्शन के लिए जाते हैं एक मन में श्रद्धा होती है राम नाम लिखवाने का और फिर हम तिलक लगवा के अंदर चलते हैं और आपको अच्छे से दर्शन करवाते हैं श्री बड़े हनुमान जी का। और सबसे पहले यहाँ पे राम लिखवाते हैं भाई। दोस्तों ये है इस मंदिर का आउट वाला गेट जहाँ से दर्शन करके सभी लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। मैं यहाँ की जो वॉयस है उसको म्यूट कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे भक्ति गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट का डर रहता है, इसकी वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है क्योंकि क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं वो सभी लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, आपको हम सब कुछ बताएंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यूपी की धर्मनगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में संगम के किनारे हनुमान जी का बहुत ही अनोखा मंदिर है। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ पर उनकी
प्रतिमा की पूजा की जाती है और इनकी ये प्रतिमा लेटी हुई प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, तब माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद भी दिया था। इसी के साथ माँ जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। तो आइए हम भी आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप स्लीपर जमा कर सकते हैं, 5 रुपये आपको देना होता है। और यहाँ पर देखिए प्रातः आरती 4:30 बजे, श्रृंगार आरती 4:30 बजे, विशेष आरती रात्रि 8 बजे की जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और हमें इसी रास्ते से मंदिर के अंदर चलना है। तो आइए हम भी आपको लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कराते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है और जब भीड़ रहती है ना तो ये पूरा का पूरा एरिया ना भाई साहब भीड़ से भरा रहता है। लेकिन अभी काफ़ी कम भीड़ है क्योंकि दोपहर का समय है, सुबह के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी LED TV लगाई गई है, जहाँ पे जो प्रतिमा है हनुमान जी की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अभी हम आपको इस मंदिर के अंदर भी लेकर चलने वाले हैं और आपको साक्षात एकदम अच्छे से दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन लगा के लोग अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम भी अब आपको लाइन में लग के अंदर ले चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराते हैं। ये है बाहर का नज़ारा, अभी हम भी लाइन में लग चुके हैं। यहाँ ऊपर देखिए लिखा है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर और ये लाइन किस तरह से नीचे जाती है। हनुमान जी का जो प्रतिमा है वो अंडरग्राउंड है, नीचे देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है हनुमान जी की प्रतिमा। और साइड साइड से लोग दर्शन करके जो भी फूल वगैरह चढ़ाना होता है वो चढ़ा के जा रहे हैं। यहाँ पर वीडियो फोटो लेना मना है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग किसी न किसी तरह थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो ले ही लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा इनका वीडियो आपको दर्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से लोग पैसे वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद वगैरह है लड्डू वगैरह वो चढ़ा रहे हैं। मैं आपको साक्षात यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करा रहा हूँ। जो लेटे हुए हनुमान जी हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। देखिए साइड में ओम सीताराम लिखा हुआ है और इतनी ज़्यादा भीड़ है नीचे, वो तो आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। यहाँ अंदर पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन भाई साहब किसी तरह लोग वीडियो फोटो ले रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हैं हमारे श्री बड़े हनुमान जी जो लेटे हुए हैं और ये यहाँ पर साक्षात लोगों को दर्शन देते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड है और किस तरह से इनके ऊपर फूल माला पैसा और लड्डू वगैरह चढ़ता है वो मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मैं खुद नीचे आके आपको हनुमान जी का दर्शन कराया हूँ, अब ऊपर से भी करा दूँ तो देखिए ये ऊपर से है, चारों तरफ भक्त यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं और ये ऊपर से जाली लगाई गई है और यहाँ से भी आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं थोड़ा दूर से ऊपर से। और यहाँ से आपको पूरा हनुमान जी का दर्शन करने को मिल रहा होगा। देखिए ऊपर से भी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि माँ जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही ना इस मंदिर में आने वाले भक्त भी बजरंग बली को सिंदूर दान करते हैं, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी की इस प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी मिल चुका है। अभी हम बाहर निकल चुके हैं, सभी लोग इसी रास्ते से बाहर निकल रहे हैं निकास द्वार। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउड है, कई सारे यहाँ पर और मंदिर हैं, चलिए आपको उनका भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी लोग दर्शन करके बैठे हुए हैं। आप सभी को बता दें कि इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला नहीं पाया। जी हाँ ये सत्य है, कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मन्नतें पूरी होने के बाद हर मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ने की जुलूस निकालते हैं और बाजे बजाते हुए यहाँ पर आते हैं। यही है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर जो प्रयागराज में स्थित है। और ये है यहाँ का एक ब्रिज, पीपल का पौधा। और यहाँ पर भी माँ जानकी जी का मंदिर है, आइए हम यहाँ पर माँ जानकी जी का भी आपको दर्शन कराते हैं। और इनकी यहाँ पर प्रतिमा है, देखिए श्री राम जानकी मंदिर।
और यहाँ पर तीनों लोग एक साथ हैं, राम लक्ष्मण सीता। और ये वनवास के समय यहाँ पर माता जी बैठी हुई थी और यहाँ का ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है जो कि प्रयागराज में स्थित है। ये है यहाँ की सीढ़ियाँ और किस तरह से यहाँ पे क्राउड है, सारे श्रद्धालु आए हुए हैं वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। भाई नीचे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सभी लोग फोटो वीडियो ले रहे हैं। इस मंदिर की जितनी भी इतिहास है भाई वो सब मैंने आपको बता दिया। ये हवन कुंड है, यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जहाँ पर हमेशा सभी भक्तगण दर्शन करने के लिए लगातार आते रहते हैं। तो आप लोग प्रयागराज में दारागंज के साइड ये मंदिर है, आराम से आके यहाँ पर दर्शन वगैरह कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन कर लिया और आपको भी इस वीडियो में पूरा उनका दर्शन करा दिया और इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।